फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा स्वेटर डिजाइन पैटर्न। ये 4 रो की डिजाइन है फ्रेंड्स, और ये 6 के मल्टीपल बनेगा। प्लस 3 फंदा लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमने 21 फंदे लिए हुए हैं। तो आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए, इसके बाद राइट साइड से डिजाइन पैटर्न को स्टार्ट कीजिएगा। फंदे वगैरह बढ़ाने हो तो आप बैक से बढ़ा सकते हैं। और ये जो है डिजाइन, आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको फ्रंट डिजाइन अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, बगल में बेल आइकन की घंटी, उसे प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो देखिए, हमारा अब रो 1 है, रिस्टार्ट करते हैं डिजाइन पैटर्न को। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, ऑप्शनली है, आप चाहें तो इसे बुन भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ से डिजाइन पैटर्न स्टार्ट होगा। तो देखिए, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, और इसके बाद धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए, 1, 2, 3, और जो ये 3 फंदा हमने सीधा बुना है ना, तो ये जो पहला फंदा है इसको हम ये 2 फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ठीक ना, और फिर धागा आगे लाएंगे 1 फंदा उल्टा। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी एक डिजाइन कंप्लीट हो गई। जो हमारा एक डिजाइन यहाँ अभी कम हुआ है ना, ये जो है थर्ड रो में यहाँ पर डिजाइन बन जाएगा। तो देखिए, साइड का एड स्टिच है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बार बार रिपीट करने हैं। तो धागा पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, और जो ये पहला फंदा है ना, इसको हम ये 2 फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे फर्स्ट फंदे को, फिर धागा आगे लाएंगे, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। ये जो फर्स्ट फंदा है, ये 2 फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। अब लास्ट में देखिए, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, सॉरी, और ये 1 फंदा उल्टा, सॉरी, इसको भी हम सीधा बुनेंगे। ये साइड का एड स्टिच है। तो ये हमारा रो 1 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हमारा ये सेकेंड रो है और ये बैक साइड है। इसमें देखिए क्या करना है, फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, ये फंदा हमारा सीधा है तो इसको ऐसे उल्टा बुन लेंगे, और धागा पीछे, ये फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे। अब देखिए, 1, 2, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ धागा पीछे, ये फंदा हम सीधा बुनेंगे, सीधा फंदा है। अब देखिए, ये उल्टा जो हमारा इधर से सीधा है लेकिन इधर से उल्टा है, तो हम इसे ऊपर से नहीं बुनाई करेंगे। देखिए, ये नीचे से आपको नीडल्स ऐसे, इसका ना आपको इस तरीके से नीडल्स लेना है। देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ से नीचे से ऐसे इस तरीके से नीडल्स लेना है, और यहाँ 1 फंदा इस तरीके से बुनेंगे। इसके बाद धागा पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे। जैसा कि हमने कहा, देखिए ये जो है ना, इसको बैक से इस तरीके से, देखिए आप ऐसे एक बार ऐसे अपनी तरफ खींचिएगा और ये फंदा, फिर इसके बाद ये बैक से आप जो है बड़े बहुत ही इजीली तरीके से आप इसे बुनाई कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, सॉरी, इस तरीके से आप जो है, देखिए इसे आप इजी तरीके से बुन सकते हैं। धागा पीछे लेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे। अब देखिए, यहाँ पर हम ऐसे नीचे से नीडल्स को डालेंगे, इस फंदे को बुन लेंगे, और सॉरी, ये फंदा भी उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा जो है सेकेंड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हमारा यहाँ पर देखिए डिजाइन पैटर्न का ये थर्ड रो है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, सॉरी, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। अब देखिए, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, और फिर सेकेंड फंदा। तो हमारे ये 3 के 3 फंदे हो गए।
अब देखिए वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखिए वन फंदा सीधा, जाली डालेंगे, फिर वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, वन फंदा सीधा, सॉरी इसको भी हमें नीचे से ऐसे बुनाई करना है, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, वन फंदा सीधा, जाली डालेंगे, फिर वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे। देखिए आपको हमेशा ये नीचे से आपको नीडल से ऐसे बुनाई करना है, धागा सॉरी ये साइड का एड स्टिच है, इसको उल्टा बुने सॉरी सीधा बुनेंगे। तो देखिए हमारा ये सेकेंड थर्ड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब ये हमारा रो फोर है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए हमें जो ये उल्टा फंदा है ना, इसको हम ऐसे नीचे से ऐसे नीडल्स लेंगे। तो देखिए जब टाइट लगे ना तो आप ऐसे नीडल्स को लूज कर लीजिए फंदे को, और इसके बाद इसे आप बैक से ऐसे लेकर बुनाई कर सकते हैं। फिर इसे धागा पीछे, वन फंदा सीधा, धागा आगे और थ्री फंदा उल्टा, वन टू थ्री, धागा पीछे, वन फंदा सीधा, धागा आगे। देखिए इसे हम थोड़ा सा ऐसे लूज करेंगे और नीचे से ऐसे नीडल्स को डालेंगे और ये उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे, वन फंदा सीधा, धागा आगे, थ्री फंदा उल्टा, वन टू थ्री, धागा पीछे, वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, सॉरी ये इसको हम ऐसे बैक से इससे बैक से लेंगे और बुनाई करेंगे। देखिए इस तरीके से, और धागा पीछे, वन फंदा सीधा, धागा आगे, थ्री फंदा उल्टा, वन टू थ्री। अब देखिए अब ये वन फंदा सीधा, धागा आगे। अब देखिए यहाँ नीचे से ऐसे नीडल्स को डालेंगे और उल्टा बुनेंगे, और ये साइड का एड स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये फोर रो का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब यही वन से लेके फोर रो रिपीट करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदा हम आपको रिपीट करके फर्स्ट रो दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा बुनेंगे, वन टू थ्री, इसके ऊपर से इसे हम ऐसे ड्रॉप कर देंगे। फिर देखिए वन फंदा उल्टा, वन फंदा सीधा, वन फंदा उल्टा, थ्री फंदा सीधा, वन टू थ्री, इसको हम इसके ऊपर से ऐसे वन फंदा ड्रॉप कर देंगे। देखिए फिर इसके बाद वन फंदा उल्टा, वन फंदा सीधा, धागा आगे, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, थ्री फंदा सीधा, वन फंदा ये हम ड्रॉप कर देंगे। फिर देखिए वन फंदा उल्टा, वन फंदा ये सीधा, वन साइड का एड स्टिच है, इसको भी सीधा बुनेंगे। तो देखिए हमारा डिज़ाइन पैटर्न कुछ इस तरीके से बनकर आना स्टार्ट हो गया है, और ये बैक साइड है। अब यही आपको रिपीट करते जाना है। तो पूरी डिज़ाइन देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बनकर आएगी। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।